बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया हुसैन है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर नफ्सियात। आप देख रहे हैं सेहत जिंदगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टॉपिक, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? जब आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसिस को, अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कब किस बात पर रिएक्ट करना है और कब किस बात पर रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में क्या फर्क है? जब आप किसी बात का फौरन से रद्दअमल जाहिर कर दें, इसको कहते हैं रिएक्ट करना। और उसी बात को जब आप सोच समझ कर एनालाइज करके उसका जवाब दें, उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। और ये ही मैच्योरिटी का लेवल है। अब मैं बताती हूँ आपको 6 लॉज ऑफ मैच्योरिटी, जिसको फॉलो करके आप मैच्योरिटी का बेहतरीन लेवल अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज दैट स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो एक्साइटमेंट में अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो सैडनेस में अपनी बातें शेयर कर देते हैं। और इसकी वजह यह है, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आपकी बात सुनते हैं लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो लोग होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और आपको गलत मशवरे देते हैं ताकि आप नाकामयाब हो जाएं। सेकेंड लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज़ दैट चूज़ योर फ्रेंड्स वाइसली। आप ऐसे दोस्तों की गैदरिंग में उठे बैठे जिनकी लाइफ का कोई मकसद हो, जो पॉजिटिव सोचते हों और सक्सेसफुल हों। जब आप ऐसे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो आपकी लाइफ का भी एक मकसद होगा, आप उसके लिए काम करेंगे और आप भी पॉजिटिव सोचेंगे और मैच्योरिटी का लेवल अचीव कर सकेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज दैट एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। आपके पास लाइफ में जो अचीवमेंट्स है आप उसी पर खुश हो जाएं, आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपकी एक्सपेक्टेशंस जब जीरो होती हैं तो आप डिसहार्ट नहीं होते और आप मैच्योरिटी का लेवल अचीव कर लेते हैं। असल में जब आप किसी से तवक्कोआत रखते हैं और सामने वाला आपकी तवक्कोआत पे पूरा नहीं उतरता तो आप मायूस हो जाते हैं। तो मैच्योरिटी का लेवल ये है कि आप किसी से भी तवक्को ना रखें, और अगर आपने तवक्को रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से रखें। फोर्थ लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज दैट डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें और शॉर्टकट से बचें। फिफ्थ लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज दैट कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की लाइफ को जज करने की बजाय अपनी लाइफ पर फोकस करें। जो टाइम आप दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करके जाया करते हैं उसी टाइम को यूटिलाइज करें, अपने करियर पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें और अपने लिए एक गोल सेट करें। और ये भी मैच्योरिटी का एक लेवल है। सिक्स लॉ ऑफ मैच्योरिटी इज दैट फॉरगेट अबाउट योर पास्ट। आप अपने माजी को भुलाकर अपने हाल में रहना सीखें ताकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकें। आप अपने गुजरे हुए कल को बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने आने वाले कल को बेहतरीन बना सकते हैं, और यही मैच्योरिटी का एक लेवल है। तो मेरी आज की इन तमाम बातों का मकसद ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, अपना टाइम अच्छी जगहों पर यूटिलाइज करें, तो आप अपना एक गोल सेट करें और उसी पर काम करें। अगर आप किसी भी ज़हनी या नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं और हमसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।